हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल अपूर्वा एंड आभ्या। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं व्हाइट सॉस पास्ता, एंड द ब्लॉकबस्टर इज कि आप व्हाइट सॉस घर में कैसे बना सकते हैं सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत आसान। जो व्हाइट सॉस मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाएंगे वो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बताऊंगी, और ये बहुत ही चीज़ी और बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इस रेसिपी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ले लें 1 कप दूध। ये दूध उबला हुआ दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और ये मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, आप इससे कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून काले मिर्च, और सॉल्ट लिया है मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और यहाँ मैंने ओरिगानोज लिए हैं 1 टेबलस्पून। दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ कॉर्न्स लिए हैं और कुछ शिमला मिर्च ली है जिनको मैंने लंबा काट लिया है। आप कोई भी अपना फेवरेट वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग अनियंस, मशरूम्स, ऑलिव्स। और यहाँ मैंने पास्ता लिया है, स्पाइरल पास्ता 1 बाउल। तो सबसे पहले आप पास्ता को वॉश कर लें और उसके बाद इसे एक बर्तन में डाल लें और इसके अंदर पानी इतना ऐड करें ये पूरी भीग जाए, और इसे उबलने के लिए रख दें। एंड दोस्तों, मेक श्योर आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लें ताकि एक दूसरे से चिपके ना। इसे अच्छे से हिलाएं और इसे उबलने के लिए ढक कर रख दें कुछ देर के लिए। इधर आप एक पैन में ऑयल लें और इसके अंदर मैदा डाल लें। इसको आप इस तरह से सॉटे करें और इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये जल जाएगा या फिर पैन में चिपक जाएगा। इस तरीके से इसे हिलाते रहें बार बार और इसे सॉटे करें। अब इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल लें अगर आपको लग रहा है कि इसकी नेसेसिटी है। अच्छे से मैदे को सॉटे करने के बाद आप ये जो लम्स हैं इनको हटा दें। लम्स को भी आप इसके अंदर ही अच्छे से मिक्स कर दें। दोस्तों, साथ ही साथ आप पास्ता को भी चेक कर लें और उसे एक बार अच्छे से हिला दें और दोबारा से पकने के लिए रख दें। इधर ये मैदा सॉटे हो चुका है, धीरे धीरे आप इसके अंदर दूध डालकर इसे इस तरीके से स्टर करते रहें और धीरे धीरे दूध डालें और सारे लम्स को रिमूव कर दें और अच्छे से सारे बैटर को मिक्स कर लें। इसी तरह से धीरे धीरे दूध डालकर आप इसे लगातार चलाते रहें और ये जो सारे लम्स हैं इनको हटा दें। देखिए, कुछ इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए आपके सॉस में। ये सॉस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसका बिल्कुल सही टेक्सचर बना है, और आप इसी तरीके से इसे हिलाते रहें जब तक ये थोड़ी थिक नहीं हो जाती। इसके बाद आप इसके अंदर ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और वेजीज ऐड कर दें। इसके बाद आप सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। सारे बैटर को अच्छे से स्टर कर लें। और दोस्तों, आपकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए ये प्रोसेस करते हुए। 1 मिनट तक आप इसे और अच्छे से स्टर करें। इधर पास्ता बॉईल होकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे एक बार स्ट्रेन कर लें और उसके बाद इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दें और इसे हिला लें। ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और सॉस में भी इसी तरह से अलग अलग रहेंगी। अब आप सॉस में सॉल्ट ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसके अंदर आप पास्ता ऐड कर दें। एंड नाउ यू आर रेडी टू सर्व। अब आप अपनी इटालियन होममेड डिश बनकर बिल्कुल तैयार हैं और आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कोई इंस्टेंट पैकेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर मील।